तो हंजी भाई, क्या हाल चाल है? वेरी गुड मॉर्निंग, जय श्री राम भाई। आज ना मेरे को भाई हंसी आ रही है अपने ऊपर, पता है क्यों? सुबह सुबह मैं घर सोया था कल रात, घर का मतलब अपने दोस्त के घर पे सोया था, उसके बाद सुबह सुबह घर जाके मैं आया हूँ इधर, जो मेरा नया ये ऑफिस लिया है मैंने, और भाई इसकी हालत देख के ना मेरे को मतलब अब धक धक हो रही है यार। लिटल दिखाऊँ तुम्हें कि किन कठिनाइयों से मुझे गुजरना पड़ता है। देखो, तैयार रहो तुम। ये सारा सामान अभी मुझे सेट करवाना है अकेले को। हाँ ये पेंट वेंट और ये सारा सामान वामान, किचन विचन, भाई साहब मेरी तो, मेरे को दिख रहा है हालत खराब ही हो जाएगी भाई, क्योंकि ये काम जितना आसान दिख रहा है ना भाई, सच बताऊं उतना आसान है नहीं। क्योंकि मैंने काफी बार ना मतलब ऐसे, मैं काफी टाइम से बाहर रह रहा हूँ घर से, तो मुझे पता है कि जितनी शिफ्ट करते हैं ना, तो ये शिफ्टिंग का पूरा प्रोसेस बहुत ज़्यादा टॉर्चरिंग होता है। सबसे पहले तो भाई फ्लैट ढूंढो, है ना, कि अपने हिसाब का होना चाहिए, फिर उसके बाद भाई वहाँ पे सेट करो और ये करो वो करो, और भाई इधर कुछ वॉल्स मेरे को पेंट करवानी है अपने हिसाब से, फिर कुछ सामान रखना है, और मतलब काफ़ी सारी बसूड़ी है भाई। और अब भैया किसी पॉइंट से स्टार्ट करना पड़ता है, तो एक बार लंबी सांस लेके अब मैं स्टार्ट करूंगा। और ये देखो भाई, एक ना सीन हो गया, स्कैम हो गया मेरे साथ, एक गद्दा यार कितना गंदा हो गया देखना, बिल्कुल ही। इसकी भी ड्राई क्लीन करवानी पड़ेगी अब तो। भाई चलते हैं, अब चलते तो कहाँ हैं, मैं तो यहीं हूँ, बुला रखे हैं सब, एक इलेक्ट्रिशियन बुलवा रखा है, वो भी AC लगा के गया है। लेकिन भाई जो मूवर्स एंड पैकर्स के साथ मैंने वो किया था ना शिफ्ट, उन्होंने मेरे साथ एक वो कर दिया भाई, वो मेरी कॉपर वायर चुरा के ले गए भाई, क्योंकि कॉपर वायर काफ़ी महंगी बिकती है ना, 10-12 फुट थी वो कॉपर वायर, और भाई वो पार करके ले गए उसको। तो कोई नहीं भाई, चलो देखते हैं कौन सा मेरे कर्म धोखे लेके चले जाएंगे। तो कॉपर वायर वगैरह लेने गए हैं वो AC वाले, और आके वो AC लगाएंगे। सबसे पहले सबसे जो अर्जेंट चीज़ है AC और वाईफाई, तो वाईफाई वाला आ रहा है, और फिर बाकी चीज़ें फटाफट सेट कर देंगे पूरी। भाई ये पूरा ऐसा फैला हुआ है ना, अब तक संगवाई में ही नहीं आ रहा। अभी ये देखो पेड़ लगवाना चालू हुआ है अभी हमारा, ये जियो वाला भाई हमारा वाईफाई लगा के गया है अभी, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़। और भाई हालत हो रही है बहुत ज़्यादा ख़राब, थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे मतलब काम हो रहा है। अभी जैसे पेड़ लगवाया है, गीज़र लगवा दिया मैंने, अभी पेड़ लग रहा है वो, और मतलब जिन लोगों को नहीं पता मैं बताता हूँ, ये असली पेड़ है, मतलब काटा ही है, कटा जो कट जाते हैं, और मतलब समझ रहे हो ना, हाँ, तो असली पेड़ है ये, और इसकी पॉलिश वॉलिश करवा के इसको हमने शोपीस टाइप बनाया था। अभी लग के जब ये लग जाएगा और उसके ऊपर सामान वामान रखेंगे ना, आर्टिफैक्ट छोटे छोटे, बहुत सेक्सी लगता है ये। तो अभी बस ये लग गया है, और फिर उसके बाद धीरे धीरे हम सामान सेटअप करना चालू करेंगे। हम वॉल बाय वॉल ले रहे हैं, अब पहले ये लगेगा, फिर इसके साइड में TV लग जाएगा यहाँ पे, और TV के नीचे फिर TV यूनिट आ जाएगी। तो यही भाई हाथ की हाथ, उसमें फिर अपना सेट टॉप बॉक्स भी लगा देंगे, ठीक है। राउटर मेरा इधर लग गया है, क्योंकि राउटर के साथ मेरी मशीन कनेक्ट होती है ना, इस भाई ने लगाया, थैंक यू यार भाई। ओके सर, ये तो हमारा सा डेली का। लो जी खाना आया भाई मेरे लिए, रोटी सब्जी और भाई गरम है एंड लस्सी। और भाई अभी भी मतलब काफ़ी कुछ हुआ है, काफ़ी कुछ रहा है। एक क्लिप मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जिनको लगता है ना कि घर का ये मिनिमलिस्टिक चीज़ें करना बहुत आसान होता है, सिर्फ लाइट ही तो लगेगी, यही तो लगेगा, पता है कितना दिमाग लगता है, और भाई कितनी बड़ा हो जाती है पूरा दिन करने में। अभी तक मतलब हम लोग पूरा दिन से लगे हुए हैं, ऑलमोस्ट भैया की तो हालत ख़राब हो गई बिल्कुल। अभी जाते हैं मोटा बिल बनाएंगे मेरा, ये जितना मतलब क्या बोल रहा था, हाँ हालत तो ख़राब हो ही जाती है, प्लस अभी तक काम भी कुछ नहीं हुआ है, मतलब सिर्फ मोटी मोटी चीज़ें लगी हैं सारी, जैसे ये शैंडलियर लगाया पर इसके बल्ब नहीं मिले, क्योंकि वो छोटी छोटी चीज़ों वाले आइटम में है, और वो भी निकाल नहीं सकते, पूरा गंदा हो गया अब एकदम से। ये TV लगाया, ये लगाया, ये लगाया, ये पंखे लगे हैं, झूमर लगा, आगे वो मेरी लाइब्रेरी के लिए वो फट्टे लगे हैं। तो जस्ट सेइंग के बहुत ज़्यादा यार, पता है ड्रेनिंग प्रोसेस होती है शिफ्टिंग करना, एक तो इमोशनली ड्रेन तो होता ही आदमी, क्योंकि एक जगह रह के दूसरी जगह आना पड़ता है फिर दोबारा, तो उस जगह की आदत डालने में टाइम लगता है, प्लस मेहनत कितनी सारी होती है यार, इसका खर्चा, फाइनेंशियली ट्रेनिंग, इमोशनली ट्रेनिंग, और आपका फिजिकली ट्रेनिंग तो है ही है। शाम हो गई है, सेम हालत में, कुछ नहीं करा है मैंने, हालत एकदम डेड हिसाब हो चुका है,
अब और लिटरल मजदूरों वाली फीलिंग आती है। तो जी रात हो गई है बिल्कुल, ये देखो ट्रैफिक भी लगने लग गया है नीचे, कितनी सारी कार्स। ऐसा कुछ व्यू है भाई अपने नए ऑफिस से ना, फुल शोर शराबा ट्रैफिक। और भाई अभी बस वो इलेक्ट्रिशियन गया है, मतलब सारा जो मोटा मोटा सामान था ना, जो मोटा मोटा सामान था सारा वो लग चुका है अब। और अब कल बारी है सामान सेटिंग की, कि जो छोटा छोटा सामान है वो सेट कर देंगे और सफाई वफाई करवा देंगे, और उसके बाद फिर छोटा छोटा जो बिल्कुल ही मिनी 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 सामान रह जाएगा वो रखवा देंगे। तो भाई अभी थकान हो चुकी है बहुत ज़्यादा, ठंडा पानी पीने का मन कर रहा है। नीचे उतरते हैं, ताला लगा के ठंडा पानी पीते हैं, घर निकल के नहाऊंगा पहले तो, इंसानियों की श्रेणी में आने का मन कर रहा है बहुत जोर से भाई। फाइनली हमने थोड़ा बहुत साफ कर दिया है भाई, ये देखो कितना, मतलब नीचे ना हमने झाड़ू पोछा वगैरह मार दिया है, और अब एक ये वाली स्पेस मतलब बैठने लायक और सोने लायक हो गई है। तो सीन ये है कि आज मैं यहाँ पे सोऊंगा, और भाई अभी बस टीवी चलाया है भाई यहाँ पे, मतलब थोड़ा ये जियो का नेटवर्क मिल गया ना, मेरे को बहुत खुशी मिलती है, क्योंकि भाई सारे OTT प्लेटफॉर्म्स ना फ्री मिल जाते हैं इसमें, प्लस इतने सारे चैनल है। सीन ये है कि बहुत ज़्यादा थक गया हूँ मैं, अल्टीमेट टूट चुका है मेरा शरीर। अब कल मुझे ना 2-3 काम है, सुबह सुबह एक जल्दी मीटिंग है, और उसके बाद मुझे एग्रीमेंट के लिए जाना है ये जो फ्लैट लिया है उसके, और उसके बाद मैंने आज जो पंखे लिए थे उनकी एक पंखड़ी ख़राब है वो चेंज कराने जाना है, और फिर उसके बाद आके मुझे सबके साथ दोबारा काम पे लगना। सो अब सीन ये रहेगा कि भाई मैं खा के सो रहा हूँ, और इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, और भाई बस फटाफट। और भाई ये भी रियलिटी टीवी में हो क्या रहा है भाई, रोडीज में जोगिंदर आ रहा है, इसमें बिग बॉस OTT में पुनीत सुपरस्टार है। चलो वो तो ठीक, एक मतलब एंटरटेनिंग बंदा तो है, एटलीस्ट लॉर्ड है भाई वो, बट जोगिंदर सीरियसली यार। चलो भाई नहीं ठीक है भाई, करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड। ब्लॉग को लाइक करना, कमेंट करना, और भाई 2-3 दिन थोड़ा ऐसा ही रहेगा ब्लॉग, मतलब काम वाम ही दिखाऊंगा, फिर उसके बाद करेंगे कुछ बढ़िया बढ़िया इंटरेस्टिंग चीज़ें, काफ़ी चीज़ें प्लान्ड है, ठीक है ना। चलो ठीक है भाई, मिलते हैं, जय श्री राम, बाय।